हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। मेरा चैनल पसंद है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो देखिए, मैं आई किचन में, फिर मुझे याद आया कि कल शाम से तो मेरे कुकर की रिंग बिल्कुल ख़राब हो रखी थी, उसमें सीटी नहीं आ रही थी, डील वो एकदम से जगह हो जाती है ना, तो वैसे वाली हो रखी थी रिंग में। तो मैंने क्या करा है, देखिए, पॉलीथीन लिया और पूरे में इस तरह से लपेट लिया है चारों तरफ। और ये आइडिया मेरा नहीं है, मेरे मामीसा का बहुत पुराना आइडिया है कि एक बार इसे यूज़ कर सकते, फिर जब मार्केट जाओ तब की तब देखी जाएगी। तो मैंने भी इसी वजह से ऐसे लगा लिया, एक बार तो मेरा काम चल जाएगा, उसके बाद में मैं जब मार्केट जाऊंगी तो नई रिंग लाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से काफ़ी बढ़िया काम हो जाता है एक बार के लिए। तो देखिए, बिल्कुल ये अच्छे से फिट भी हो गई है, निकल भी नहीं रही है, तो इस तरह से बहुत बढ़िया से हो गई। और ये देखिए, फिट आ गई है, इसमें एयर भी भरने लगी है, तो सीटी भी आराम से आ जाएगी। और मेरे उदयपुर से एक पार्सल आया था, गाड़ी में रखा गया था, तो वहाँ से फिर हर्षित ले आया था जा करके। तो देखिए, ये मेरे दो भाई और बाकी सारे भाई मिल करके हरिद्वार गए थे, तो वहाँ का प्रसाद भी रखा है इसमें। और देखिए, ये हम लेंगे, आप भी इसे इसके दर्शन कर लीजिए सभी लोग। और अमरूद, भुट्टे और ये सभी चीज़ें आई है मेरे घर पे। अमरूद का पेड़ है उदयपुर में, तो वहीं पर काफ़ी अमरूद लगते हैं और इस मौसम में बहुत बढ़िया अमरूद आते हैं। तो देखिए, कुछ दब गए हैं, गाड़ी में रखते हैं तो देखिए कोई संभाल के तो लाता नहीं है, तो बस आ जाता है, चीज आ जाती है हमारे पास, इतना रहता है। तो जो जो ऐसे दब गए ना, उनको मैं अलग कर लूँगी, या ज़्यादा पके हुए हैं उनको भी मैं अलग करके पहले यूज़ में ले लेंगे। और ये देखिए, बच्चों की तो बड़ी मौज हो गई है, वो अमरूद खाने में लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा है अमरूद, कम से कम 3 से 4 दिन इनके चल जाएंगे। 3 से 4 दिन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा ये यूज़ नहीं करेंगे और उसके बाद ऐसे भी ख़राब हो जाएंगे, तो 3-4 दिन के लिए काफ़ी बढ़िया फ्रूट मिल गए इनको। तो भुट्टे वगैरह भी आ गए, तो इनका भी कई चीज़ें बन जाएगी। और देखिए, भुट्टे तो हमारे घर में नहीं होते हैं, वो खरीद के रखे गए होंगे। और देखिए, सब ने खाया तो मेरा भी मन हो गया, तो मैंने इसे कट कर लिया और इसमें चाट मसाला वगैरह डाल करके मैं खा रही हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आप भी आ जाइए, बहुत बढ़िया टेस्ट है, घर के अमरूद की तो बात ही अलग होती है। और मैंने रात भर से फ्रिज को बंद करके रखा हुआ था क्योंकि इसमें देखिए काफ़ी बर्फ़ जम गई थी, अभी तो बहुत कम हो गई है क्योंकि मेरे यहाँ जो ढक्कन था वो टूट गया है ना, तो इसमें बर्फ़ जल्दी जल्दी से जम जाती है। तो मैंने जो मेन अंदर का जो स्विच रहता वो बंद करके रख दिया था। और देखिए, ये सिल्लिया की सिल्लिया हो गई है, हल्का सा हाथ लगाते इस तरह से बाहर आ रही है, तो बस मैं इन सबको निकाल लूँगी क्योंकि फिर अगर हम नहीं निकालते तो पिघलती जाएगी और सारा पानी फैलता जाएगा फ्रिज का, तो पूरे किचन में पानी पानी हो जाता है और वो चिपचिपा सा अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं भी थोड़ी फ्रिज की हेल्प कर देती हूँ, तो इस तरह से ये पूरा सिल्ली का सिल्ली, देखिए काफ़ी वजन हो गया था फ्रिज में, और मेरे एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में ये सिल्ली तो की नहीं गई और ये नीचे गिर गई इस तरह से। तो देखिए, सारा का सारा मैंने ऊपर का जो बर्फ था वो तो निकाल लिया है, और नीचे ये जो फिश रखने का रहता है वहाँ पर एक सिल्ली है, तो वो भी जब अच्छे से फ्रिज से अलग हो जाएगी तो उसे भी इसी तरह निकाल लूँगी। किसी चीज़ से हमें छेड़खानी नहीं करनी है, नहीं तो फिर करंट भी आ सकता है या फ्रिज भी ख़राब हो सकता है। तो बस हमें अपने आप जो छूट रही होती है फ्रिज में बर्फ, उसी को निकालना है, ये नहीं कि आप चाकू या कोई भी ऐसी पेनी चीज़ लेकर के उसकी हेल्प से इसे निकालने लग जाओ। और देखिए, पूरा इसे सिल्लियाँ जमी हुई है, काफ़ी ठोस है, अगर किसी को मार भी दो ना तो एक बार तो अच्छे से लगती है, ऐसी ठोस हो गई है। और देखिए, पापा आए थे तो भुट्टे लेकर के आए हैं, काफ़ी बढ़िया और मस्त, जो अमेरिकन भुट्टे रहते हैं ना, मीठे मीठे, वो लेकर के आए हैं। तो बच्चों का मन किया कि आज तो हमको सेक करके खिलाई दो, मम्मी तो सेक के खिलाते नहीं हैं, तो बस नानोसा है, बच्चों की माननी थी नानोसा को। तो देखिए, इन्होंने क्या करा है, ये जो मटकी दिख रही है ना छोटी वाली, इसको पूरा कट कर लिया है क्योंकि यहाँ पर चूल्हा वगैरह तो था नहीं, तो इस मटकी को कट करके उसमें लकड़ियाँ हमारे यहाँ पे बहुत मिल जाएगी क्योंकि मेरे घर के आसपास आपने देखा ही होगा, और ये हमने इकट्ठी करके रखी है। तो बस इन्होंने ये जलाना है, बारिश की वजह से गीली हो रखी है, तो वो ट्राई कर रहे हैं किसी तरह जल जाए। तो ये सब कर रहे जब तक मैं खाना खा लेती हूँ। आज मेरा बहुत काम करते करते इतना टाइम निकल गया ना कि मैंने करीब 3 बजे खाना खाया है। और देखिए, मैं यहाँ बैठी हूँ, अभी मेरा घर पूरा मैसी मैसी हो रखा है, तो उस
को आप बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि अभी भी काम चल रहा है, छोटा छोटा आपको ध्यान ही होगा। और ये देखिए, मैंने खाना खा लिया, जब मैं बाहर आई तो आग भी अच्छे से लग गई थी और भुट्टे भी सेकने को आए थे। मैं लेकर के आई हूँ घर के अंदर, क्योंकि सबसे पहले मेरे कान्हा को भोग लगेगा लड्डू को, और लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद में फिर हम लोग खाएंगे। तो देखिए, पहले लड्डू गोपाल को दे दिया, क्योंकि फर्स्ट हमारे घर में सीजन के तो वैसे आए थे भुट्टे, लेकिन सेक करके हमने पहली बार यूज़ करे, तो मैंने कान्हा को भी खिलाया। उसके बाद देखिए, मेरे लिए एक पार्सल भी लाए थे पापा, ये मेरे अपने ने ही किसी ने भेजा। मैं यह नाम लेना नहीं चाहूँगी, क्योंकि आपको आगे पता चल जाएगा मैं क्यों नाम नहीं ले रही हूँ। तो बस ये पार्सल आया है, आप भी देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया सुंदर सुंदर ड्रेस आए हैं मेरे लिए। तो ये एक रेड कलर का ड्रेस है, पूरा 4 मीटर में है, कॉटन है, और इस पर चिकन बुट्टी का बारीक सा वर्क हो रखा है। एक ये जोड़ है काफ़ी सुंदर सा। तो ये दो ड्रेस मेरे लिए भेजे गए हैं, और मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, और इसकी मुझे ज़रूरत भी थी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ एक व्रत आएगा सावन के पहले शुक्रवार में, उसमें रेड ड्रेस पहनना रहता है। और देखिए, बिल्कुल देखिए ये है, इसमें इस वजह से मैं नाम नहीं ले रही थी। तो ये देखिए, इसमें एक पर्स निकला, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसमें कोई पैसे वगैरह भी है। बस ये बोल रहे थे मेरे को जिसने भी भेजा था कि आप एक बार ड्रेस खोल के देख लेना, ड्रेस खोल के देखना। तो फिर मैंने जब खोला, उसमें से ये पर्स निकला, और उसमें काफ़ी पैसे भी है। तो बस इन पैसों को लेकर मैं कल जाऊंगी, कुछ काम भी है, तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या काम करने वाली। और ये देखिए दोनों, ये सुंदर सा ड्रेस है, बहुत बढ़िया ड्रेस है, गर्मी के लिए तो बहुत बढ़िया है, और मुझे इसकी खास अभी ज़रूरत भी थी, तो मेरे ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सो आज की वीडियो कैसी लगी?